सब लोग प्लीज बंद करो, बंद करो, नहीं छापेंगे, नहीं छापेंगे। गॉड ब्लेस मी। राखी जी, इस खूबसूरती के पीछे क्या राज है? बस ये खूबसूरती के पीछे शाहिस्ता अली जो डिजाइनर है उसका राज है, और जिसका दिल तोड़ जाता है वो और खूबसूरत बन जाता है। बस ओके, थैंक यू। बस इतने का यस, थैंक यू। कोई सवाल करना है? चलो आ जाओ। नहीं, मैंने नहीं लिया ना, वो वाला नहीं छापना क्योंकि उस पे जवान बहुत है मेरे पास। पहली बात तो राखी जी, आप लग क्या रही आज, उमराव जान, अनारकली या फिर रेखा जी की डुप्लीकेट? नहीं, मैं किसी की डुप्लीकेट नहीं। नहीं मतलब जैसा आप, ये आपका गलत सवाल। चलिए चलिए, कुछ भी बोलिए। छोटा सा बाइट लेते आप, बाकी हाँ हाँ कुछ ना। कहेंगे यार, शाइस्ता खान द्वारा एक लॉन्चिंग है बड़ा सा, जिसमें अलग अलग पैटर्न्स के ड्रेस हैं। वेल, शाइस्ता अली खान को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, एंड आई थिंक उनकी जो कलेक्शन है वो बहुत ही मॉडस्ट और बहुत ही सिंपल एलिगेंट होते हैं। तो उनकी नई स्टोर लॉन्च है, उनका स्टूडियो लॉन्च है, आई वुड से दैट बहुत टाइम से जानती हूँ, तो आई हैव सीन हर ग्रोथ, सो आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस। जैसे कि शाइस्ता खान ट्रेडिशनल लुक पे, ट्रेडिशनल वेयर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है ट्रेडिशनल वेयर के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि आई थिंक इंडियन ब्यूटी ट्रेडिशनल वेयर पे बहुत खूबसूरत दिखती है, एंड आई थिंक शी हरसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो एज आई सेड दैट इट्स अ वेरी मॉडस्ट कलेक्शन, हर कलेक्शन इज़ वेरी मॉडस्ट, लाइक उसमें एक अलग ही एलिगेंस होता है उनके कलेक्शन में, यू नो वो। सो या, अगर पूछना चाहेंगे सना जी से, तो वो किस प्रकार के कलेक्शंस ज़्यादा करती है ड्रेस एज अ क्लोथिंग को लेकर? मैं आई एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग, आई थिंक आई मैं इंडियन भी पहनती हूँ, वेस्टर्न भी पहनती हूँ। तो या, जैसे कि आपको हर जगह देखा जाता है, भले वो रियलिटी शो हो, टीवी शो हो या फिर वेब सीरीज हो, तो अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो आपको आप कहाँ देखेंगे? बहुत जल्दी, लेट इट बी अ सरप्राइज, बाय। YouTube में क्या कर रही थी तू? हॉलिडे कर रही थी, राजीव के साथ। एक्सक्यूज मी, आप छोड़ोगे तो? क्या बात है, राखी जी कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत बहुत हमेशा। लुक एट यू, साथ में एक फोटो। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मुझे वो पहले उसको दो, कोई मतलब नहीं यार इतना, वो 5 मिनट जो एक मिनट मेरे को जाने की जगह मिले। आंटी के लिए तो सिंपल, जो भजन कीर्तन में जाती है ना, उनके लिए बिल्कुल सिंपल वाला। ये परफेक्ट है। एक्सक्यूज मी, व्हाई सिंपल? आंटी बिल्कुल भजन कीर्तन में जाती है, भगवान वाली है। मम्मी शुड लव दिस।
And she looked very pretty in real, on camera mein aur bhi zyada achhi lagti. Dekho bhabhi meri balance kar rahi hai. I don't know, Sana. Come, Sana. Come, Sana. Come, Sana. Come, job to Ashna. Few tips for the hair. I see your hair shop. Done. Kaisa laga Ashna? Bahut achha. Abhi to aayi main chahi. Very nice. Sab ko check every layer. Aur leke jana, sab leke jana. Price tag laga hua hai usme sab. Done. I'm so proud of you that actually you started from nowhere and you are having such a big booty now. It's such a proud moment. And actually मैंने इनको grow करते हुए देखा है. ये इन्होंने घर से काम शुरू किया था. कोई support नहीं, कुछ नहीं. And वो तो है, पति है, उनके तो करेंगे. But no, but eventually she started and she reached here. So I must tell you all कि जो भी इन्होंने किया है अपनी खुद की मेहनत से किया है. एंड ऑफ कोर्स मेरे भाई हमेशा रहे उनके साथ, बट स्टिल आई फील विद द फैमिली एंड एवरीथिंग वाज नॉट सो इजी. सपोर्ट सबका था. रश्मि भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी हुई है. और कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं रॉन्ग एडवांटेज ले लेता हूँ बहन होने का इसका, लेकिन थोड़ा हक बनता है मेरा. और भी मेरे दोस्त हैं जो इनका मैं कभी कभी ले लेता हूँ एडवांटेज, लेकिन क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं. सबको तरक्की करना है, मुझे भी तरक्की करना है. और थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से बिजनेस में लेके सबको बढ़ा के रख लेना. इसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है विद दिस क्रीम. ओके, तो तुमको कुछ भी स्किन के इश्यू हो तो प्लीज बेझिझक आ जाना. आई विल डेफिनेटली, बट थैंक यू. एंड अब तक सो फार तो विदाउट मेकअप. थैंक यू. मैं बहुत कम मेकअप पहनती हूँ. इसने ही मेरे को सिखाया भाभी थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना, ज्यादा मत लगाना. सो यस, कैसा लगा तुमको? आई रियली लव्ड इट. बहुत अच्छा लगा. And this is something, this is a surprise. This is a kind of chaista pop-up, you know, everything. Oh, aur bhi hai. Achha, aur bhi hai. Chalo. 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 Hey, bata. Kaha gaya? Hamus da, bata. Hamus da, aur dikha. Hamus da, hamus da. Tum log kya mere saath saath ghumne wale? Haan, sahi bola. The life. हेलो. अरे माय गुड, माय गुड. थैंक यू. हाउ आर यू? बहुत ज्यादा क्लोज मत करना. और ये भी मत डाल दे रहा जो मैंने अभी आपको बोला है, वो रिक्वेस्ट है. चलिए सवाल कौन करेगा? एक मिनट, सोलो. अच्छा सोलो. हाँ चलिए चलिए चलिए. अकेले मैनेज किया. चलो किसी ने हेल्प दी. नीचे हो जाओ. थोड़ी शर्म करना, माइक पे ऊपर था, सोच लेना मैं रिवेंज ले लूंगी. तुम लोग का काम जल्दी वाला बाद में. चलो रेडी. नाना तो भावज दिख के आती है. हां, दिख के समझ में आता. चलो भूसे रुक जाना नहीं है. हां तो मैम, जैसे कि आप शाइस्ता अली खान जी के उधर जाके पूरा देख कर आए, कैसा लगा आपको और क्या यूनिक लगा? Unique, I think I have seen her growing in front of my eyes. उन्होंने जहाँ से शुरुआत की है फिर यहाँ तक पहुँचना, it's an achievement. I'll be very honest. And I'm very, very proud of my भाभी that
जिस तरह से उन्होंने ये हर एक चीज़ को हर एक सेक्शन को बनाया, दैट वाज हर ड्रीम एंड आई एम श्योर दैट कि वो यहाँ से भी बहुत बड़ा करने वाली है. इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट वेयर यू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड देन शी हैज़ हर ओन स्किन प्रोडक्ट्स ऑल्सो. So she has maintained, yeah, everything that, so all the sections you get. And the plus point I really love about it, that she has a makeup artist here available. So anybody wants to come here and get ready and then leave, because she herself is an influencer, entrepreneur. So wo har ek cheez ka khyal rakke conveniently banaya hai. It's like a very, today's fast world. You know how to, yeah, how to save time and just get the best out of it. के मेकअप आर्टिस्ट के साथ ही ये काफ़ी अच्छा अच्छा कपड़े डिज़ाइन करते हैं जो कि ट्रेडिशनल लुक देता है एक लड़की yes. को, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है yes. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत बार पहने हैं, इनफैक्ट लॉट ऑफ माय रियलिटी शोज आल्सो आई हैव वोन सैक क्लोथिंग. इनफैक्ट मैं इनसे लड़के भी बोलती हूँ, आई यूज टू कंप्लेन माय ब्रदर दैट कि ये भाभी सबको बांटती है, मुझ मेरे पे क्या घुसता है उनको. बट देन आई थिंक दैट वॉज फर्स्ट टाइम आई थिंक शी स्टार्टेड हर, मुझे शर्ट पहनने बहुत पसंद है, तो उन्होंने एक तापसी को दिया था एंड देन शी सेंट मी विथ माई इनिशियल ऑन इट, वेरी ब्यूटिफुली डन. तो इट इज़ वेरी क्लासी, वेरी शीक, एट द सेम टाइम इट हैज़ अ स्टेटमेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड द प्लस पॉइंट इज जब मेरा आखिरी शो था तो वहाँ पर ना लुक्स को लेके बहुत, क्योंकि इंडियन पहनना पड़ता है आपको, तो रेफरेंसेस होते थे, तो देवर लाइक आउट ऑफ 10 देवर 6 फोटोज ऑफ हर एंड देवर सेइंग दैट कि ये जो पहनती है ना ऐसा, आई थिंक सो दिस विल लुक वेरी नाइस. इनफैक्ट रिसेंटली आई गॉट, आई डिड वन फिल्म, सो फॉर दैट ऑल्सो दे गॉट मी द रेफरेंस ऑफ हर विच आई नेवर टोल्ड हर, बट आई हैव एक्चुअली वॉन्ट सम वॉट हर पैटर्न इज फॉर माई लुक इन द एंटायर फिल्म. आई थिंक व्हेन शी विल सी इट शी विल लव इट. मैम जैसे कि आप आज ग्रैंड ओपनिंग हो गया तो आप रश्मि देसाई जी के लिए अलग क्या कुछ? रश्मि का ही है ये बुटीक और इतना हक सिर्फ इसको ही है कि ये एनी टाइम आए और यहाँ से जो भी जिसमें भी हाथ लगाए वो उसको मिल जाए. ये इसका ही, वरना उनके जो भाई हैं वो मेरा गला दबा देंगे और अभी फाइट होने वाली है कि आज रश्मि ने क्यों नहीं ऐसे के पहना है. बट नहीं, हमारा प्यार दिल से है, हम इसको बहुत 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 प्यार करते हैं और मेरी हमेशा हर जगह हर दुआओं में ये होती है. तो ये मेरी फैमिली है और मेरा प्यार है और मेरी ननद है. जैसे कि मैम आपका जल्दी न्यू वेब सीरीज आने वाला है, उसके बारे में उसके बारे में आई थिंक सो आप मुझे व्यूज देंगे. इट्स इज जस्ट एन इनिशियल 2 एपिसोड दे हैव स्टार्टेड, द ओपनिंग दे हैव डन इट विथ मी एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ अ ग्रेट सीरीज दैट इज़ कमिंग ऑन जियो नाउ. थोड़ा आने में लेट हो गया, दैट इज़ द रीज़न पीपल से दैट आई नेवर टॉक अबाउट माई वर्क, बट आई रियली फील दैट कि जब मेरा काम मेरे लिए बोलेगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. बट आई रियली फील दैट कि आई थिंक जब आप देखेंगे यू विल लव इट. द कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी घरेलू, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ यू कैन रिलेट टू इट. और रवि हैज़ ऑल्सो, उसने कुछ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी अपना नाम रजिस्टर हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉन्गेस्ट मोनोलॉग. So it is a proud moment for me also that I've worked with such a brilliant artist. जैसे कि आपने बोला काफी personally character है आपका, मतलब काफी अलग character, तो आपका ऐसा कोई moment personally? It's a very casual and very today's, मतलब ऐसा कोई extraordinary मैं नहीं बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, but it is a episodic story, so हर episode में नए मिलेंगे, but they have started they have done the opening with me, so which was they wanted a very grand this thing and which is going to happen and the series is amazing. So jab aap dekhenge to aisa nahi hai ki aapne Rashmi ko is avatar mein pehle nahi dekha tha, of course dekha tha, par wo kirdar mere liye bahut amazing laga ki bahut normal aur sadharan ladki hai aur kuch nahi hai. Thank you. Bye bye. भाई सुनो, ले जाते हो यहाँ पे, सुनो यहाँ पे.